हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 7 आत्म परिचय गीत हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। इसमें पूर्व क्लास में बेटा मैंने आपको जो पढ़ाया थोड़ा सा उसके बारे में बता के इससे आगे पढ़ाऊंगी। पूर्व क्लास में हमने पढ़ा था ये वाला पैराग्राफ, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या कहा है, कवि ने स्वार्थी संसार को त्याग कर सत्य और प्रेम के पथ पर अग्रसर होने की बात कही है। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन ने स्वार्थी संसार को त्याग कर प्रेम और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने की बात कही है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि मैं भावुक कवि हूँ, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, ठीक है। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहा है मैं और संसार हमारा अलग अलग नाता है, ठीक है, क्योंकि संसार के लोग क्या है, स्वार्थी हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं, अतः मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं। मैं और जग कहाँ का नाता, मैं इन संसार के लोगों से मेल नहीं खाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कवि कह रहा है कि मैं रोज़ नए नए संसार को अर्थात नए नए आदर्शों की रचना करता हूँ और उससे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कवि कह रहे मैं रोज़ कितने जग बनाता रहता हूँ और उन्हें मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कवि कह रहे कि जग जिस पृथ्वी पर अपने इस वैभव को जोड़ा करता है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ, अर्थात मैं हर पल, कवि के कहने का तात्पर्य इस तरह मैं संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ, ठीक है। इससे आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिया फिरता हूँ। देखिए कवि इसमें क्या कह रहे हैं, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में भी प्रेम झलकता रहता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। कवि कहते हैं मेरे रोदन में भी प्रेम भाव झलकता रहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे रोने में भी प्रेम भाव झलकता रहता है, ठीक है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कवि कह रहे हैं कि मेरे रोने में भी प्रेम भाव झलकता रहता है, मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा एवं वेदना का ताप। शीतल वाणी, मेरी वाणी बहुत शीतल है, मधुर है, लेकिन फिर भी मैं उसमें आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद नौचावर, कवि कह रहे हैं इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कवि कह रहे हैं इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम और निराशा के कारण मेरा जीवन खंडर है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निचावर, कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु
मैं प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन मैं वह खंडर का भाग ली कवि कह रहा है, लेकिन प्रेम में निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है। जिस भी में खंडर जैसा मेरा जीवन है, फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उस उन महलों पर न्योछावर कर सकता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं उन राजाओं के महलों पर अपने खंडरों को न्योछावर कर सकता हूँ। अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवंत बनाए हुए हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक कल करा दिया था, आज अब यहाँ से देखिए। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या करे, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। अब इसके हार्ड वर्ड देखिए बेटा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, दीवाना पागलपन या मस्त, ठीक है, दीवाना मस्त, मादकता मादकता का लिखिए बेटा नशे की स्थिति या मस्ती, निशेष संपूर्ण जिसमें कुछ न बचे, निशेष संपूर्ण या जिसमें कुछ न बचे, छंद बनाना कविता रचना करना, छंद बनाना कविता की रचना करना, ठीक है, वेश रूप झूम प्रसन्न होना, झूम प्रसन्न होना, लहराए मस्त हो जाए, लहराए मस्त हो जाए, ठीक है। ये हार्ड वर्ड लिख लिए, दोबारा सुनिए, दीवाना पागल मादकता मस्ती निशेष संपूर्ण छंद बनाना कविता रचना वेश रूप झूम प्रसन्न होना लहराए मस्त हो जाए, ठीक है। और देखिए इसमें कवि क्या कह रहे हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कवि कह रहे हैं मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। देखिए प्रसंग में क्या आएगा, यह अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन के पाठ संख्या 7, पाठ का नाम आत्म परिचय, कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने हृदयगत भावों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करते ही सारे जगत को प्रेम का संदेश देते हैं। इस कविता में कवि अपने हृदय के भावों को गीतों के माध्यम से व्यक्त करते ही सारे जगत को प्रेम का संदेश देते हैं। कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ तो इसे लोग गीत कहने लगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कवि कह रहा है कि जब मैं व्यथित होकर दुखी होकर रोने लगा, ठीक है, तो इसे तुम सब क्या कहने लगे कि मैं कोई गीत गा रहा हूँ, ठीक है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, तुम इसे गाना कहने लगे। और जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्मादों से अपने भावों को व्यक्त करता हुआ मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़े, तब संसार के लोग इसे कहने लगे, छंद कहने लगे।
मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती, क्यों दुनिया का हूँ एक नया, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग मुझे, कवि कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं वो मुझे कवि के रूप में अपनाते हैं, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देते हैं, संसार के लोग मुझे इतना अधिक सम्मान देते हैं, वास्तव में मैं तो कवि नहीं हूँ अभी तो एक नया प्रेम दीवाना हूँ, मैं दुनिया का हूँ नया दीवाना, मेरा हृदय प्रेम दीवानगी में पूरी तरह मस्त है। देखिए दोबारा से देखिए कवि क्या कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहा है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो मेरे रोने को तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हुआ मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़े, तो संसार के लोग उसे कहने लगे छंद बनाना, दुनिया मुझे क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहे कि संसार के लोग मुझे कवि कहकर सम्मान क्यों देते हैं, मैं तो दुनिया का एक दीवाना हूँ, प्रेम की मस्ती में भरा हुआ एक दीवाना हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ, मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ और मैं अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मैं सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है, मेरी हार्दिक भावना मेरे प्रेम की संपूर्ण मस्ती में छाई रहती है, ठीक है, मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं, मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे। कवि कह रहे हैं कि मेरे प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं और मैं सबको मस्ती से झूमने का संदेश देता हूँ, लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझकर झूमने उठते हैं। दोबारा देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, ठीक है, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ, मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती में छाई हुई है, मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ,
मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है कि जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को इसी मस्ती में झूमने का सभी को संदेश देता हूँ। देखिए, विशेष प्राप्त हृदयगत वेदना की अभिव्यक्ति मधुर गीतों में हो जाती है। भाषा सरल व छंद प्रधान है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूट पड़ना, छंद बनाना आदि मुहावरों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको? चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब जैसे इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। सांसों के दो तार किसका प्रतीक है? जीवन का। दिन का पंथी में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना? कवि ने जीवन के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार, मौज मस्ती और स्वप्निल कल्पनाओं को आवश्यक माना है। कवि ने जीवन के लिए स्नेहपूर्ण व्यवहार, ठीक है, मौज मस्ती और स्वप्निल कल्पनाओं को आवश्यक माना। कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? कवि संसार के सुख दुखों की चिंता न करके सभी से स्नेह भाव रखता है, उसी स्नेह सुरा का वो पान करता है। कवि सबसे स्नेह सुरा का पान करता है। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से आपके बन सकते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को अच्छे से सुनना, भावार्थ करना, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आए तो मुझसे क्लियर कर लेना। ओके, अपने डाउट अपने मन में मत रखना। ओके, थैंक यू बेटा।